एक्सपीरियंस इन शौकत खान अब कोई ऐसी जिसने दट यू यू थाट केयर हम यहाँ फंस जाएंगे बट देन मेरा सो अब आपके सुनने वाले कहेंगे ये रिहर्स्ट होगी मुझे नहीं पता था आपने सवाल पूछना है हाँ ये लिखा हुआ ठीक है और ये रियल जवाब मैं आपको देने लगा तो ऐसे हुआ कि मैंने एक स्टेज के ऊपर हमारा प्लान था कि हमने रिसर्च का एक पूरा फ्लोर बनाना तहकीक के लिए ना उसकी जगह बनी हुई थी हस्पताल के अंदर उसकी जगह मुख्त हुई हुई थी एलोकेटेड स्पेस थी आ, पूरा एक लेवल था एक बिल्डिंग का तो उसमें मुख्तलिफ स्टोर्स भी आ चुके थे कुछ दीगर फंक्शनैलिटीज चूंकि खाली जगह पड़ी थी उसमें थी तो एक स्टेज पे ख्याल आया कि नहीं इनको सबको निकालो तो उनको मैंने अब इंटरनली कहा जी आप अपने लोग मूव करें यह करें वो करें उस जगह को खाली करा दिया और इन पैरल डिज़ाइन बनवाया कि ये कैसे रिसर्च फ्लोर बनेगी उसका लेआउट बना प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के ज़रिए रिसर्च के स्पेशलिस्ट के ज़रिए वग़ैरह अब वो एक ए फोर पेपर के ऊपर मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा था इसी तरह ये जैसे कॉफ़ी पड़ी है मेरे हाथ में कॉफ़ी थी और मेरी टेबल पर कुछ नहीं था और उसकी कॉस्टिंग हुई हुई थी तो मुझे ख्याल हुआ कि इसके लिए हमें तकरीबन तीन करोड़ रुपए चाहिए उसको फिनिश करने के लिए इक्विप करने के लिए वगैरह तो मैंने दिल में सोचा कि ये मैंने बनवा तो लिया है प्लान तो मेरे तो जो पूरे ज़कार डोनेशन के पैसे हैं वो तो नॉर्मल ऑपरेशन में लग रहे हैं तो इसका कहाँ से मुझे आ, पैसे आएंगे तो मैं सोच ही रहा था ये सुबह का टाइम था तो मेरा फ़ोन बजा और मेरे एक साथी थे जो मार्केटिंग में काम करते थे आबिद उनका नाम है एक और इदारे में काम करते हैं उनका फ़ोन था उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई प्रोजेक्ट है तीन एक करोड़ का एग्जैक्ट एक्जैक्ट मैंने कहा आबिद आप कहाँ हैं उसने कहा मैं ऑफिस में हूँ मैंने कहा भाग के मेरे पास आए हैं वो कुछ पड़ा परेशान हुआ कि मैंने क्या कह दिया मैंने कहा नहीं बस आप फौरन जस्ट रन अप खैर वो दो मिनट में आ गए आप सांस चढ़ाओ कि मेरा तीसरी मंजिल पे फ्लोर ऑफिस था खैर नहीं वो भागा हुआ आया उसने कहा क्या हुआ मैंने कहा बैठो ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट तो ही सर अच्छा देखा उसने कहा नहीं ये तो रिसर्च का है वो जो डोनर है वो तो कोई सदका जारिया देना चाहते हैं तो मैंने कहा कौन है उन्होंने कहा खातून है उनके पैसे हैं और उन्होंने देने हैं लेकिन वो ये कहते हैं तो मैंने कहा सदका जा रही रिसर्च भी तो सदका जारी है इसमें तो हम जो करेंगे वो आगे चलेगी चीज़ तो आप उनसे मुझे बात करवा दें तो मैं देखता हूँ वो खातून हमें मिली अगले एक दो दिन के अंदर और थोड़ी सी इस तरह बात हुई और उन्होंने अपना पर्स खोला और कहा कि मैं आपको चेक लिख देती हूँ एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी वो फ्लोर उन्हीं के वालिद के नाम पे है और उसमें जो रिसर्च हो रही है वो सदका जारी है बिल्कुल अच्छा ये वैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बहुत सारे लोग बिल्कुल उस अमल को ही समझते हैं कि यही का जारी है कि जहाँ किसी का इलाज हो रहा हो या किसी को खाना मिल रहा हो या कोई पढ़ रहा हो मगर लोगों को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि वो जिस फैसिलिटी में हो रहा है उसकी कहीं भी कोई दीवार भी बन रही हो वो उसी को या उसी तो वो भी उसी में ही शामिल होता है हाँ, हाँ, हाँ. so you know, सबसे पहले स्पॉन्सरशिप आ जाती है लेकिन ये दूसरी चीज़ें कई दफ़ा नहीं है लेकिन देखें एक कमरा तदरीस है एक ऑडिटोरियम है वहाँ से भी तो लोगों को तालीम मिलेगी जो कि फिर आगे जाके वो करेंगे तो लेकिन आमज से वो खातून जो हैं माशा उन्होंने बात को समझा और उन्होंने ओन किया उस बात का और आज तक वो बड़ी प्राइड से इस चीज को कहती हैं कि उनके वालिद के नाम से वो रिसर्च होती है अगर आपने ने ये क्लिप एंजॉय की है तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कर, ताकि आपको वर्क के साथ-साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया